मकान मालिक वाला इशू आ गया, ये किराया ना रहेगा। आ जाओ। जो भी मेस में मिला आराम से खाओ तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। ऑब्वियसली सर, मैं ऑफलाइन क्लास के लिए जाना चाहूंगा। भाई आपने बोला फीलिंग आती है, फीलिंग से बताओ कौन सी फीलिंग है ये? 21 डेज वाला कट कर काम नहीं किया, मतलब हाँ एक तरह से काम करता भी है। तो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पर। और आज हम आ गए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हम बच्चों से करेंगे ढेर सारी बातें। जैसा कि हमने लास्ट टाइम अपने वीडियो में किया था, वाई कोटा और कोटा सिटी का क्या एडवांटेज है, बच्चों से जाना था। आज मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि जबरदस्त मुद्दा है, ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन। क्योंकि पहले तो मजबूरी थी ऑनलाइन क्लासेस की, बट अब ऑफलाइन क्लासेस वापस से अपने पूरे रूप में आ चुकी है क्योंकि कोविड का जो माहौल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अब बच्चों के माइंड में, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, बच्चों के माइंड में डाउट रहता है कि ऑनलाइन जाएं या ऑफलाइन जाएं। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, एडवांटेज भी जानेंगे। प्रिंस कुमार है और मैं कहूंगा कि ऑनलाइन बहुत बेटर है बायोलॉजी के लिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ऑफलाइन बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर हम बात करें बायोलॉजी सेशन में, तो वहाँ पे बहुत सारे डायग्राम होते हैं जो कि क्लास में बनाना फिजिकली उतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसका क्लियर व्यू जो आता है वो डिजिटल बोर्ड में आता है। अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ऑफलाइन और बायोलॉजी के लिए ऑनलाइन आप प्रेफर करोगे? तो मैं बीइंग ए फिजिक्स टीचर, मुझे सोचना पड़ेगा कि अब मैं ऑनलाइन जाऊँ कि ऑफलाइन। चलो अभी तो शुरुआत हुई है, आगे चलते हैं। हाँ जी, ऑब्वियसली सर मैं ऑफलाइन क्लास के लिए जाना चाहूँगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में क्या है कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिदम होता है ना, वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। हम कोई भी डाउट अगर सीधे सर से पूछ सकते हैं, और वो जो फीलिंग आती है मुझे आई थिंक ऑनलाइन क्लास में नहीं आती है। और मेरा ऑनलाइन क्लास में मैंने कर रखा था, वो डाउट भी क्लियर नहीं हो पा रहे थे एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। भाई आपने बोला फीलिंग आती है, फीलिंग से बताओ कौन सी फीलिंग है ये? फीलिंग मतलब कि जैसे कि कोई, मैंने सर से क्वेश्चन पूछा तो वो सर भी क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं हमसे। हाँ, लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो यानी ऑफलाइन में फील ले लेते हो आप टीचर से, ऑनलाइन में वो फील नहीं आता है आपको। अच्छा चलो फिर नेक्स्ट बच्चे से मिलते हैं। पहले बताओ क्या नाम है आपका? सर आई एम फ्रॉम दिल्ली और माय नेम इज अजीम। अजीम, यस सर। सर मैं ऑफलाइन ही प्रीफर करूँगा क्योंकि आई कॉन्टेक्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है, टीचर सामने खड़े हैं और आई कॉन्टेक्ट हो तो पढ़ने का मजा कुछ और है। अच्छा जी सर। और ऑफलाइन में जो तुम्हारी क्लासेस मिस हो जाती हैं, फिर उसको कैसे कवर करोगे भाई? ऑफलाइन में क्लासेस सर वो तो अपने पर डिपेंड करता है कि आप रेगुलर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। हाँ। और आपकी कितनी टेंशन है। ऑनलाइन में तो वो बैकअप मिल जाता है ना कि सुबह की क्लास अगर मिस हो गई, कोई पार्टी में जाना है, किसी ने बुलाया है, किसी से मिलने जाना है और चले गए सुबह, तो शाम को वो टाइम तो फिर वापस से तुम बैठ के पढ़ सकते हो ना। सर यहाँ पे टीचर्स मतलब 24 आवर्स मतलब 16 आवर्स तो अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स में, तो आप कभी भी आकर डाउट पूछ सकते हो और कभी भी आकर अपनी जो भी है जो तुम्हारा छूट गया उसको कवर कर सकते हो। चलो ये आपका भी था। नेक्स्ट, ये अभी थोड़ी सी इनकी मन की बात और रह गई जो अपनी पूरी करना चाहते हैं। आओ। मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ जो ऑनलाइन और ऑफलाइन है, तो इसमें मुद्दा ये नहीं कि हम डाउट कैसे सॉल्व कर सके। जैसे कि अगर किसी को सोने का बहुत ज़्यादा आदत है तो वो सुबह में ऑफलाइन क्लासेस जो है वो अटेंड नहीं कर सकता है, तो उसके लिए जो ऑनलाइन है वो बेस्ट है। क्योंकि आप आराम से 10 बजे उठे और आराम से 6 घंटे पढ़ाई करें, तो जो आपकी डिजिटल थिंग्स है उससे, जैसे कंप्यूटर पीसी, और इसके बाद आराम से आप 2 घंटे की नींद ले सकते हैं और फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका जो इनपुट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। क्या बढ़िया था गुरु। तो बच्चों हमने सिंपल सा क्वेश्चन किया था ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, एक बार में सबसे आंसर पूछना चाहूंगा, क्या कौन सा मोड पसंद करोगे? यार ये कंबाइंड सा आंसर आ रहा, ऑनलाइन क्या ऑफलाइन, एक क्लियर बोलो। यही कंफ्यूजन है, देखो एक आंसर कभी बन ही नहीं सकता क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का माहौल बराबर चल रहा है आज के टाइम पे। फिर भी हम ट्राई करेंगे जानने का कि क्या रीजन है ऑनलाइन और ऑफलाइन कौन सा बेस्ट रहेगा। नया सीजन है, बच्चे का डाउट है कि ऑनलाइन जाऊं कि ऑफलाइन जाऊं। चलो बात करते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? पायल। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन, तो हम फेस टू फेस उनसे डाउट क्लियर कर लेते हैं उसी टाइम, और काफी अच्छी बॉन्डिंग बैठती है टीचर से। ओके okay. और इधर फिर ऑनलाइन में कौन है गर्ल्स की सपोर्ट कर रहा? तो भाई गर्ल्स तो पूरी ऑफलाइन जाने वाली है, आप बॉयज अब तो तुम ऑफलाइन जाओगे मुझे पता है, ऑनलाइन क्यों आओगे हैं? अभी ऑफलाइन कह रहे थे, 2 मिनट में बदल गए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है।
तो ये बड़ी दिक्कत है भाई। अच्छा चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करते हैं हम। कोटा फैक्ट्री सबने देखा है? हाँ वो तो देखोगे, वैसे तो सीरियल देखते नहीं हो, लेक्चर्स देखे कभी? मुझे यूट्यूब पे देखा है, देखा है। अरे नो सर बोलो, नहीं देखा है मुझे पता है। इतने तो मैंने वीडियोस भी नहीं बनाए कि मुझे देख लो तुम। चलो तो कोटा फैक्ट्री हमने सबने देखा है। कोटा फैक्ट्री का फर्स्ट सीजन में सबसे पहले एक इशू दिखाया था, जब हम कोटा सिटीज में आते हैं तो कोटा सिटीज में आने पर मैथ्स का सबसे ज्यादा इशू होता है, डाइजेशन का इशू। क्या आप सबने फेस किया? अच्छा फैमिली के साथ इशू हुआ। 21 डेज वाला जो फैक्टर था कि बिना देखे खाओ और काम बन जाएगा, आदत पड़ जाएगी, क्या ये वर्क करता है? कोटा में 7 साल हो चुके हैं और मैंने 7 साल में देखा है, जो भी मेस में मिला आराम से खाओ तो नींद भी बहुत अच्छी आती है और पढ़ाई भी बहुत। भाई तुम मुझे लग रहा है सैचुरेशन में हो, 7 साल में आ गए हैं, सैचुरेशन कर रहे हो तुम। कोई ऐसा अलाओ इंस्टेंटनेस वाला आओ बंदा, कौन है जो अभी यानी रिसेंटली 1 साल ही हुआ उसे कोटा में आए हुए? आ जाओ आ जाओ। क्या इशू रहा था आपके साथ? मेरे साथ तो ठीक था खाना के समय, क्योंकि मैं पहले भी हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल में रहता तो वहाँ पे भी खाना मतलब ठीक ठाक मिलता था, और ऐसे सैचुरेटर में आ गया तो यहाँ पे आके लगा मतलब ठीक है, नॉर्मल हो जाना, कुछ भी तो संघर्ष करना पड़ेगा, फिर जब सफलता जब मिलती है तो ये सब दिन याद करके भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है यार, ये बात बहुत अच्छी है। देखो खाने में भी है ना संघर्ष होता है, और ये बात अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ पढ़ाई से ही तुम अपने कंपटीशन को जीत सकते हो तो इस बात का ध्यान रखना, आपकी डेली लाइफ का जो रूटीन है वो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे भी एक दूसरा संघर्ष चलता है एक उस फाइट को जीतने के लिए। चलो और कोई जिसके साथ ये इशू रहा और उसने किसी तरह से रिजॉल्व किया हो, डाइजेशन वाला? सबका बढ़िया रहा खाना पीना? अभी तो कह रहे सब लोग की पेट खराब रहता था हमारा स्टार्टिंग में, आपको वैरायटी चाहिए, यू बोलो। ये पर्सनल इशू है। और हाँ जी आपको कोटा है 1 मंथ हुआ अभी? अच्छा हमको चूज करना पड़ा खाना। कहाँ से हो? हम बिहार से। बिहार से हो तो लिट्टी चोखा मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे तो नहीं मिलता है। तो बहुत इशू आ रहा होगा? हाँ बहुत इशू है। तो फिर क्या किया सॉल्यूशन? वही एडजस्ट किया है, यही खाना एडजस्ट किया। एडजस्ट कैसे किया यही तो जानना है। मैं खुद से भी खाना को बनाया। अच्छा खुद से बना लेते हो? हाँ, खुद से बना। अच्छा कितने लोग हैं जो रात में मैगी बनाते हैं? सारे बनाते, सारे कुक यानी अपने आप को तुमने वो हैशटैग कर दिया कि कुक या ऑफिशियल कुक बन गए अब सब है? खुद से बनाता था पहले भी, खुद से बनाता था पहले बनाते थे। तो तुम तो यार यानी वो कहते हैं ना इंडिपेंडेंट पर्सन हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा खाना कैसा है ना। चलो बहुत बढ़िया। जब क्लास में फोकस रहता है और फिर जैसे मेस में खाने समय में बैठते हैं तो मतलब बायो का कुछ सर का मतलब जो क्लास में इंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ाते हैं तो दिमाग घूमते रहता है, कुछ भी अपना खाओ यार। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा यानी क्लास की बातें सर की घूमती रहती है, यानी सर के माहौल में ऐसे कोई हो तो मैं खाना पीना सब छोड़ रखा है। जैसे क्लास ही टूट जाए और 15 से मेज जाते हैं तो यही तो 21 डेज का देखना। यहाँ पर तुम लोग आए सभी, ठीक है, शुरू में दिक्कतें आई कि यार मन लगा या नहीं लगा, क्या क्या रहा? मकान मालिक वाला इशू आ गया, ये किराएदार आएगा इधर, आ जाओ। सर वो मतलब सिक्योरिटी मनी के लिए कि पहले जमा करो उसके बाद रहोगे, मतलब ये सब दिक्कतें आई थी। फिर मेस में क्या खाना फिर शुरू में अच्छा लगा नहीं, फिर धीरे धीरे मतलब हो गया। अच्छा तो ये तो फिर तुम्हारा वैसे इशू रहा यानी कि होम सिकनेस वाला इशू आया कहां यहां पे? यहां तो सिक्योरिटी मनी का इशू आया। पैसा जोड़ के कहां ले जाओगे हमसे, पहले कुछ कमा तो लो, डॉक्टर तो बन जाओ भाई। और सर आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था। अच्छा मुझे तो याद दिलाओ क्या पूछा था। कि अगर मान लो आप क्लास नहीं आते हो हाँ। और आप कहीं शादी में चले जाते हाँ। हो तो उसको कवर कैसे करोगे हाँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो कहीं और जा रहा था, वो उसे शादी पर डाउट है, वो कह रहा कि शादी में थोड़ी जाने के लिए कहा था, मैंने तो कहीं और भेजा था।
नहीं नहीं सर मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे आए हो तो डॉक्टर इंजीनियर बनने आए हो, यहाँ पे शादी अटेंड करने नहीं आए, सिटी मॉल घूमने नहीं आए, ओवरऑल ये कहना है अगर आप आए हो तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ और पूरी फोकस पे लगाओ अपनी पढ़ाई, क्लास ऐसे नहीं छूटेगी जब तक आप नहीं चाहोगे, और अगर छूट गई तो पेट खराब है तबीयत खराब है तो आप टीचर से आगे ले लो, सोल्यूशन है डाउट काउंटर पे टीचर बैठे रहते हैं, आप उनसे बात करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ये तो खैर है, देखो कोटा का ये सिस्टम तो वर्क करता है कि यहाँ पे फैसिलिटीज पूरी रहती है, अगर कोई मिस भी होता है तो टीचर्स तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, वो बात अलग है कि हम अवेलेबल नहीं हो पाते जब टीचर वापस अवेलेबल होते हैं, है ना। आ जाओ तुम्हारी चार बातें कराऊंगा मैं, आ जाओ। हाँ कोटा का एक माहौल है, बंदे पढ़े या ना पढ़े टीचर रोज पढ़ कर आता है क्लास में, ताकि अगर बंदा कोई सा भी सवाल पूछे तो टीचर बीच में आपको बता देंगे, अगर टीचर को नहीं भी आया तो वो बोलेंगे अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, बोलेंगे कल बताएंगे बेटा, पर बताते जरूर है। अगर यही बात मैं अगर दूसरी जगह की बात करूँ तो वहाँ पे टीचर मस्त मोहल्ले होते हैं, एक बुक लेकर आएंगे आराम से लेक्चर देंगे और निकल जाएंगे। चलो अब ये तो हो गया हमारा एक सेशन, अब एक नया सेशन करते हैं छोटा सा। बायोलॉजी के हो सारे बच्चे, नीट की तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर बनने वाले हो, अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और मैं फिजिक्स का टीचर हूँ ध्यान रखना, अब मैं पूछ रहा हूँ फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मैंने माना तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, बायोलॉजी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, मगर फिजिक्स के बिना पार नहीं होगी, फिर मैं पूछ रहा हूँ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। देखो भाई बायोलॉजी वाले नहीं मानेंगे क्योंकि इनका स्कोर भी ज्यादा रहता है, मार्क्स ज्यादा आते हैं तो फिजिक्स वाले वहां पे डाउन रह जाते हैं, बट सिलेक्शन में तो तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ध्यान रखना इस चीज पे डाउट मत रखना कि एक ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा क्या स्ट्रेटेजी है, अगर बायोलॉजी अच्छा है तो क्या स्ट्रेटेजी है तुम्हारी, कैसे कर रहे हो प्रिपरेशन? पहले हमारा ये है कि बायोलॉजी 350 का स्कोर मैक्सिमम हमारा रहता है, ऑस्कर केमिस्ट्री केमिस्ट्री में 150 प्लस, और फिर फिजिक्स कमजोर है हमारी तो हम लेके चलते हैं कि 130 प्लस कैसे भी करके करना है फिजिक्स में, उससे कम होगा तो नहीं होगा क्योंकि एक बार कट ऑफ होने में ज्यादा सकती है 600 पॉइंट। अच्छा कंपैरेटिवली फिजिक्स ज्यादा मेहनत मांगती है क्या? यस सर मांगती है। ये ऐसा क्यों है, तुम बायो वालों ने माइंडसेट क्यों कर रखा है कि फिजिक्स टफ है इसलिए तुम एक्स्ट्रा मानते हो? आती है लेकिन क्वेश्चन जब करने बैठते हैं ना तो सॉल्व नहीं होते हैं तो उसके लिए टाइम लगता है बहुत हमें। अच्छा यानी कि थ्योरी अलग है और न्यूमेरिकल अलग है। पहले हम लोग यहाँ पे थे वहाँ पे फिजिक्स में प्रॉब्लम आती थी, जब से यहाँ पे आए उससे फिजिक्स में एकदम से ही मार। वो तो टीचर पर डिपेंड करता ही है, दैट्स व्हाई आप बेस्ट प्लेस पे हो अभी, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ फिजिक्स के इंस्टीट्यूट में आके तुम बोल रहे कि फिजिक्स में डाउट है, ऐसा कैसे हो सकता है, अब नहीं है ना। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होता जा रहा है अब? देखो इसे कहते हैं कन्वर्जन, इसे कहते हैं कन्वर्जन, फिजिक्स का टीचर हूँ कन्वर्ट करवा लिया सबको, ठीक है ना। चलो यार बात करके बहुत अच्छा लगा, तो अगर तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या रखना चाहते हो, क्योंकि आपके जो मुद्दे होते हैं वो हम इस चैनल पे लेके आते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।